हेलो दोस्तों, क्वेस्ट फॉर एडुकेशन चैनल की तरफ से मैं भोलानंद महतो आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो में हम भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से एक अनुरोध है, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन में एक बार प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 5/8 + 3/8। सो 5/8 + 3/8। दोस्तों, हम फर्स्ट क्या करेंगे, ये नीचे जो हर है इसका एलसीएम लेंगे। तो 8 और 8 का एलसीएम लेते हैं, 2, 4, 4, एगन 2, 2, 2, एगन 2, 1, 1। तो दोस्तों एलसीएम होता है 8। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, एलसीएम को नीचे लिखेंगे। अब ये नंबर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, दोनों 8 है तो 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो होता है 1, और 1 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 1 = 5। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, ये नंबर से इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो होता है 1, 1 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 3। तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो 8/8 कट के दोस्तों होता है 1। तो मेरा आंसर हुआ दोस्तों 1। 5/9 + 7/9। पहले ये 9 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9, 9 एलसीएम 3, 3, 3 जो एगन 3, 1, 1 एलसीएम हुआ 9। तो दोस्तों हम ऐसे करेंगे, 9 को नीचे लिखेंगे, ये 9 से ये एलसीएम को डिवाइड करेंगे होता है 1, और 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाए 5। यस दोस्तों, 9 से 9 को डिवाइड करेंगे होता है 1, और 1 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाए 7, दैट इज 12/9। इसको दोस्तों मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 9 से 12 को डिवाइड कर दिए तो आंसर हुआ 9 × 1 = 9, 3, दैट इज आंसर हुआ 1/3/9। क्वेश्चन नंबर 3, 4/9 + 5/6। यहाँ पर दोस्तों ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे, नीचे का नंबर जैसे हर का हम एलसीएम लेंगे तो 9 + 6 = 3, 3, 2। दोस्तों मेरा एलसीएम हुआ 3 × 3 × 2, दैट इज 18। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 18 को नीचे लिखेंगे। अब 9 से हम ये एलसीएम दैट इज 18 को हम डिवाइड करेंगे होता है दोस्तों मेरा 2, 2 से हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे होता है 8। अब दोस्तों 6 से हम 18 को डिवाइड करेंगे तो होता है 3, 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15, दैट इज 23/18। अगर दोस्तों हमको मेरा जरूरत पड़ा तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी ट्रांसफर करेंगे, अभी हम नहीं करते इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, 5/12 + 7/15। दोस्तों हम पहले क्या करेंगे, 12 और 15 ये दो जो हर है इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं इधर कोने में 12, 15, 3 × 3 = 4, 5, 3 × 4 × 5, दैट इज 60। सो दोस्तों एलसीएम हुआ 60। अब दोस्तों क्या करेंगे, 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो मेरा हो जाता 5, और 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता 25। 15 से हम 60 को डिवाइड करेंगे तो होता है 4, 4 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 28। दोस्तों ये आंसर हुआ। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, 2/15 + 13/20। दोस्तों हम 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, 15, 20, 5 से 3, 4, 60। तो दोस्तों एलसीएम हुआ 60, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम को नीचे लिखेंगे 60। अब 15 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 15 से 60 को डिवाइड करते हैं तो होता है 4, 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। अब दोस्तों 20, यहाँ पर हर है, हर से हम 60 को डिवाइड करेंगे तो होता है हम दोस्तों 3, 3 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता 39। अब दोस्तों ऊपर वाला ऐड कर देंगे 47/60, ये हुआ दोस्तों मेरा आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन, 3/1/8 + 1/7/12।
यहाँ पर दोस्तों ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले बदल लेंगे। तो ये हो जाता है 8 3 24 + 1 25 / 8 19 / 12। इफ 12 से इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर 7 जोड़ दिए तो ये हो जाता है 19 / 12। अब दोस्तों सेम नियम 8 और 12 का हम एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाता है 2 4 6 2 2 3 2 × 2 × 2 × 3 दोस्तों 24। तो दोस्तों एलसीएम हुआ 24, तो 24 का हम नीचे लिखेंगे। अब 8 से 24 को डिवाइड करेंगे होता है 3, 3 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 75। अगेन दोस्तों 12 से हम 24 को डिवाइड करेंगे होता है 2, 2 से हम 19 को मल्टीप्लाई करेंगे होता है 38। अब दोस्तों ये दोनों को प्लस कर देंगे 113 / 24। दोस्तों अगर हमको लगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है तो बदल देते हैं 113 4 96। सो दोस्तों मेरा आंसर हुआ 4 whole 17 by 24। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। 2 7 by 10 + 2 8 by 15। पहले दोस्तों हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हो जाता 20 + 7 27 by 10। यहाँ पर दोस्तों 30 + 8 38 by 15। दोस्तों हम ये दोनों का एलसीएम लेंगे 10 + 15 5 2 3 दैट इज 30। सो दोस्तों एलसीएम हुआ 30। हम 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो होता है 3, और 3 से 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 81। दोस्तों हम 15 से 30 को डिवाइड करेंगे होता है 2, 2 से 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 76। अब दोस्तों ये दोनों को ऐड कर देंगे होता है 7 15 / 30। दोस्तों इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे 57 दैट इज 35 7। सो दोस्तों मेरा मिक्स फ्रैक्शन होता है 5 whole 7 by 30। तो ये मेरा आंसर हुआ। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल, 8 नंबर सवाल दोस्तों, 3 + 2 / 5। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 3 एक मेरा होल नंबर है तो हम क्या करेंगे इसके नीचे 1 दे देंगे। अब 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही होता है तो 5 लेंगे, 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 होता है, 5 से 3 को मल्टीप्लाई 15। अगेन दोस्तों 5 से 5 को डिवाइड कर 1 से 2 को मल्टीप्लाई 2। सो दोस्तों मेरा आंसर होगा 17 / 5। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हो जाता है 3 15 2। तो दोस्तों 3 whole 2 by 5। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। 2 + 3 by 5 + 7 by 15। यहाँ पर दोस्तों 2 का नीचे हम 1 ले लेते हैं, आप तीनों को एलसीएम करते हैं 1 5 15। तो 5 1 1 3 15 है दोस्तों एलसीएम होता है तो एलसीएम को हम नीचे लिखेंगे, एलसीएम से इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 होता है, 15 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 + 5 से 15 को डिवाइड करें 3, 3 से 3 को मल्टीप्लाई 9। दोस्तों 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। तो दोस्तों 46 / 15। ये दोस्तों मेरा आंसर हुआ जब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे 3 1 by 15। तो ये दोस्तों मेरा आंसर हुआ। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।